Hello students, welcome to Digimento Education. This is another session with the preposition of place. लास्ट टाइम हमने इससे पहले वाले सेशन में प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ही किया था, बट उसके अंदर हमने सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स किए थे, जैसे कि एट, ऑन, इन, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं पोजिशन बताने के लिए, किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी जगह की. अब इस वीडियो में, इस लेसन में, इस लेसन प्लान के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाकी सारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जो कि हम एक पोजिशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन टुडे. सो द फर्स्ट वन बीइंग योर बिटवीन. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेपोजिशन बिटवीन की. बिटवीन is basically used to show in or into space between two places, two people or two objects. यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ की जो कि है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, मान लीजिए ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, इसके बीच में, हिंदी में जिसे हम बीच में कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा बिटवीन इस्तेमाल करते हैं. बिटवीन के बाद जो हम प्रेपोजिशन करेंगे वो है हमारा अमंग. अमंग, हिंदी में अमंग को भी हम बीच में ही कहते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बिटवीन सिर्फ और सिर्फ हमेशा दो लोगों में, दो चीज़ों में या दो जगहों में बात होती है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट anything between two places, two people or two objects. जब भी वो more than two हो जाएगा, right? तो उस केस में हम वहाँ पर among को use करते हैं, और जब भी वो equal to two होगा तब हमेशा between ये इस्तेमाल होता है. यही difference है दोनों के अंदर. दोनों में हम किसी चीज़ के बांटने की या रखने की बात करते हैं, दो होगा तो बिटवीन है और दो से ज़्यादा है तो अमंग है. लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल. पीटर इज सिटिंग बिटवीन मैरी एंड जो. ये मैरी है, ये जो है. अब पीटर जो है वो मैरी और जो के बीच में बैठा हुआ है. सो पीटर इज सिटिंग बिटवीन मैरी एंड जो. देन वी हैव ही फ्लाइज बिटवीन लंडन एंड पैरिस ट्वाइस अ मंथ. वो हर महीने लंडन और पेरिस के बीच में कम से कम दो बार ट्रैवल करता है. मान लीजिए कि उसका जो घर है वो लंडन में है, और दिस इज़ लंडन, और उसका जो ऑफिस है, या मान लीजिए उसका कोई ऑफिस का ब्रांच ऑफिस है, सो वो मान लीजिए आपका पेरिस में है. सो यू नो ही फ्लाइज बिटवीन लंडन एंड पेरिस ट्वाइस अ मंथ. सो कम से कम दो बार वो लंडन और पेरिस के बीच में आता जाता. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो जगहों की, लाइक लंडन एंड पेरिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वास इज बिटवीन द टू चेयर्स. अगर आप यहाँ देखते हैं ये एक चेयर है, दिस इज चेयर नंबर वन, दिस इज चेयर नंबर टू, इन दोनों के बीच में वास रखा हुआ है. सो द वास इज बिटवीन द टू चेयर्स, राइट. सो अभी हमने देखा बिटवीन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी दो चीज़ों की, दो जगहों की, या लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था दो लोगों के बीच में किसी चीज़ की बात करते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा बिटवीन इस्तेमाल करते हैं. द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज अमंग. अब हम बात करेंगे अमंग की. अमंग कहाँ इस्तेमाल होता है ये हम अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इट इज़ यूज टू शो समथिंग इन द मिडल ऑफ समबडी और समथिंग और हैपनिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल. यानी कि जब किसी कुछ लोगों के बीच में कोई चीज़ चल रही है, कुछ चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो रही है, तो उस समय या कुछ ग्रुप ऑफ थिंग्स या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो रही है, तो उसके लिए हम हमेशा अमंग यूज़ करते हैं.
जैसे कि वी सॉ अ हाउस अमंग द ट्रीज, अब हमने एक घर देखा जो कहाँ है, पेड़ों के बीच में है. हिंदी में हम बीच में ही बोलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ अगर आप देखें, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और पीछे और भी हैं. अब हमने एक घर देखा कहाँ, पेड़ों के बीच में, लेकिन हिंदी में आपको ये अगर मैं कहूँ पेड़ों के बीच में मैंने देखा, तो आपको शायद क्लियर ना हो कि दो पेड़ हैं या दो से ज़्यादा. लेकिन अगर मैं इंग्लिश में कहती हूँ आई सॉ अ हाउस अमंग द ट्रीज, सो इस अमंग वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो पेड़ हैं वो दो से ज़्यादा हैं. अगर मैं कहती हूँ वी सॉ अ हाउस बिटवीन द ट्रीज, तो वहाँ पे सिर्फ दो की बात होगी, दो से ज़्यादा नहीं होंगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स. प्लीज़ आप ये जो चॉकलेट्स हैं या जो स्वीट्स हैं या जो टॉफीज हैं ये बच्चों में बांट दो. अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ अमंग की जगह पर मैं बिटवीन वर्ड को यूज़ कर देती हूँ, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर मतलब होगा सिर्फ दो बच्चे हैं जिनके बीच में मुझे स्वीट्स बांटनी हैं, चॉकलेट्स बांटनी हैं. लेकिन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ड हमारा अमंग, तो उसका मतलब है इट इज़ मोर देन टू स्टूडेंट्स, दो से ज़्यादा हैं, राइट. वो कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 20, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट वो दो से ज़्यादा हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अमंग द सार्क नेशन. आप जानते हैं कि सार्क एक ग्रुप ऑफ यूनियन है जिसका आप यहाँ लोगो देख रहे हैं. सार्क कंट्रीज के बीच में जो इंडिया है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री. इंडिया के अलावा सार्क के मेंबर्स हैं, लाइक वी हैव इंडिया, देन वी हैव इज पाकिस्तान, वी हैव इज नेपाल, वी हैव बांग्लादेश, श्रीलंका 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव इज अफगानिस्तान, मालदीव्स. सो दीज आर 7 सार्क नेशंस. अब इसके बीच में अगर हम देखते हैं, सो इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज अमंग द सार्क नेशंस. अमंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा कंट्रीज हैं. आई होप अब आपको डिफरेंस बिटवीन और अमंग के बीच में क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन और अमंग के बीच में क्या डिफरेंस होता. The next preposition we have is behind. Behind का मतलब होता है पीछे, पीछे, right? अक्सर आप हिंदी में use करते हैं इस word को, पीछे. So let's look into कहाँ हम इसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं. The first is the usage of this is used for at the back, किसी चीज़ के पीछे, back. I hung my coat behind the door. मैंने अपना कोट जो है वो दरवाजे के पीछे लटका दिया, right? तो मैंने अपना कोट दरवाजे के पीछे लटका दिया. I hung my coat behind the door. So behind का मतलब होता है पीछे. Then another example is please stand behind in the queue. ये शायद आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा कई बार, especially जो लोग मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं. आप देखते हैं कि आप लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, लेकिन अचानक से कोई आया और आगे आके बिल्कुल खड़ा हो गया. तो अक्सर आप कहते हैं अरे भाई चलो पीछे लाइन में लगो, पीछे पीछे. So that is please stand behind in the queue. और मे बी अगर आपको कोई मेट्रो में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, सो जस्ट 1.5 ईयर बैक हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था,
उस समय अक्सर बैंक की लाइन में लोगों को लगने नहीं दिया जाता, अरे भाई पीछे चलो, राइट? सो प्लीज स्टैंड बिहाइंड इन द क्यू. बिहाइंड का मतलब होता है आपके पीठ की तरफ, बैक की तरफ किसी चीज के. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई थिंक देयर इज समवन बिहाइंड द कर्टन. मेरे हिसाब से कोई कर्टन के पीछे खड़ा है, राइट? सो समवन इज बिहाइंड द कर्टन. अनदर यूसेज ऑफ बिहाइंड, इट इज यूज्ड इन द बैकग्राउंड और ऑफ समथिंग और अंडरलाइंग, यानी कि किसी चीज़ के पीछे, किसी के बैकग्राउंड की बात हो रही है या उसके नीचे होने की बात हो रही है. जैसे इट वॉज योर हार्ड वर्क विच वॉज बिहाइंड योर सक्सेस. ये आपकी मेहनत थी जो आपकी सक्सेस के पीछे है. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अरे तुम्हारी सक्सेस के पीछे तुम्हारी मेहनत है. तो मेहनत क्या है, वो अंडरलाइंग है. अंडरलाइंग इन द सेंस आपकी कामयाबी के नीचे जो चीज़ है जिसके कारण आपको वो कामयाबी मिली, वो आपकी मेहनत थी. सो इट वॉज योर हार्ड वर्क विच वॉज बिहाइंड योर सक्सेस. Next example says, do you know what is the real reason behind America's control on Iraq? क्या आप लोगों को actual, असली कारण, real reason पता है behind America's control on Iraq? अमेरिका ने इराक के ऊपर क्यों कंट्रोल किया या अमेरिका इराक पे क्यों कंट्रोल करना चाहता था? क्या आप लोग इसका real reason जानते हैं? नहीं जानते हैं. एक्चुअली अमेरिका जो है वो इराक के ऑयल्स पे, वो वेल्स पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं दे आर वेरी रिच इन ऑयल रिजर्व्स, और अमेरिका अपने लिए ऑयल रिजर्व्स लेना चाहता था, इसलिए उसने बेसिकली इराक पे कब्जा करने का प्लान आउट किया. So, and the next example says, Pakistan is behind the terrorism in India. हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में जितना भी टेररिज्म है उसके पीछे कौन है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है. अब यहाँ पर बैकग्राउंड में है, देखिए फ्रंट में नहीं है. फ्रंट में वो नहीं दिखाता कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं या हम टेररिस्ट को भेज रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक्चुअली उनका हाथ है. तो यहाँ पर ये बात आई, इन द बैकग्राउंड ऑफ समथिंग. सो पाकिस्तान इज बिहाइंड द टेररिज्म इन इंडिया. द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन फ्रंट ऑफ. देखिए बैक का मतलब था आपकी पीठ की तरफ, आपके पीठ के पीछे अगर कुछ है तो वो बैक है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ होता है फेसिंग, यू नो, योर माउथ, योर फेस, जहाँ आपके मुंह की तरफ कोई चीज़ फेस करती है. सो लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल्स एंड द हाउ वी यूज. इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग फेसिंग समथिंग और समवन. जब कोई किसी चीज़ को या किसी इंसान को फेस करता है मुंह की तरफ, यानी कि सामने, आमने सामने, तो उसे हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, जिसे हम हिंदी में सामने कहते हैं. लाइक सोनल स्लैप्ड समीर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. अब सोनल ने समीर को चांटा मारा, कहाँ मारा, सारी पब्लिक के सामने, उनके चेहरे के बिहाइंड नहीं, लोगों के पीछे नहीं मारा, लेकिन लोगों के सामने मारा. सो सोनल स्लैप्ड समीर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. The next example says, there is a hospital in front of my house. मेरे घर के सामने एक हॉस्पिटल है. मान लीजिए this is a road and if I say this is my house, ये मेरा घर है, और इसके बिल्कुल सामने, क्योंकि देखिए इसका एंट्री जो है वो इधर है. सो अगर एंट्री इधर है तो ये मेरा हॉस्पिटल है. सो मैं ये कहूँगी, देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माय हाउस एंड देयर इज अ बिग गार्डन
behind my house, मेरे घर के पीछे एक garden है, right? So मेरे घर के सामने क्या है, एक hospital है, और मेरे घर के पीछे क्या है, क्योंकि देखिए मेरे घर का entry यहाँ है, यानी कि मेरे घर का face मुँह इधर है, तो इसका back में है ना garden, so garden is behind my house, but hospital is in front of my house, in front of means सामने. The next example says, she sat in front of me at the restaurant. अब मान लीजिए कि इस लड़के ने इसे डेट पे बुलाया है या लंच पे बुलाया है या डिनर पे बुलाया है. So, वो आकर कहाँ बैठी, बिल्कुल मेरे सामने. She sat in front of me at the restaurant. Restaurant में वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी. देखिए चाहती तो वो यहाँ साइड में भी बैठ सकती थी, इधर साथ में भी बैठ सकती थी, बट नहीं, वो बिल्कुल उसके सामने बैठी. शी सैट इन फ्रंट ऑफ मी एट द रेस्टोरेंट. द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिलो. बिलो, अब हम देखते हैं कि हम बिलो को किस तरह से यूज़ करते हैं. जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि बिटवीन एंड अमंग में बहुत हल्का सा फ़र्क होता है. दोनों हिंदी में बीच बोला जाता है, लोगों के बीच, टॉफ़ी बांटो एंड ऑल दैट. लेकिन इंग्लिश में दोनों यूजेजेस, दोनों मीनिंग्स अलग होते हैं. उसी तरह से हमारा जो डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ नीचे, बिलो को भी हम नीचे बोलते हैं और हिंदी में अंडर को भी नीचे बोलते हैं, बट इंग्लिश में इन दोनों में फ़र्क होता है इन द सेंस ऑफ इट्स यूजेज. बिलो अलग सेंस में यूज़ होता है एंड अंडर जो है वो एक अलग सेंस में यूज़ होता है. चलिए अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंस होता है. पहले हम बात करते हैं बिलो की. Below is used in cases where an object is lower in position but not directly under another. यानी कि कोई चीज नीचे तो है लेकिन वो directly किसी चीज के नीचे नहीं है, right? यानी कि ये कोई चीज है, आपकी चीज इधर है, जो इसके नीचे directly नहीं है, बीच में शायद कुछ और भी है. एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो सके. वी कैन फाइंड लॉट ऑफ मिनरल्स बिलो द अर्थ सर्फेस. आपको बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग तरह के, देखिए यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स दिखाए गए हैं. हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं कहाँ, अर्थ के सर्फेस के नीचे, राइट, धरती के सतह के नीचे. लेकिन देखिए ऐसा है कि मान लीजिए दिस इज़ एन अर्थ सर्फेस, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप थोड़ा सा हटाएंगे और यहाँ पे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे. नो, है नीचे ही लेकिन वो काफ़ी नीचे होते हैं, नॉट एग्जैक्टली अंडरलाइंग इट, एकदम डायरेक्टली उसके नीचे नहीं होते हैं, बट फिर भी है तो धरती के नीचे. The next example says, the tsunami comes when there is an earthquake below the earth's surface. देखिए सुनामी तब आती है, लोग कहते हैं जब भी earthquake आता है कहाँ, धरती की सतह के नीचे. But earth surface हम कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं below the seabed, right? देखिए ऐसा है कि ये धरती है हमारी. अब यहाँ पे मान लीजिए आपका समुंदर है, लाइक वी से ओशन और समथिंग, लेकिन और ओशन के नीचे भी एक पानी की, एक धरती की सतह होती है. यहाँ बीच में पानी है और ये आपका समुंदर के नीचे का तला है जिसे हम सी बेड बोलते हैं. तो सुनामी तब आती है जब भी अर्थक्वेक जो है वो इस सी बेड के नीचे आता है. तो ये भी देखिए धरती का सरफेस है, बट हम इसे सी बेड बोलते हैं या ओशन बेड बोलते हैं क्योंकि ये समुद्र के नीचे है. सो जब भी यहाँ कर अर्थक्वेक आएगा, उसका जितना रेडिएशंस है, फ्रिक्वेंसी है, उसका इफेक्ट है, वो यहाँ पानी पे जाएगा, और जब वो ऊपर पानी पे जाएगा तो वो जो वेव्स हैं वो आपकी फ्रिक्शन की वजह से या उस वेलोसिटी की वजह से वो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, एंड देन वी हैव सुनामी. सो सुनामी कम्स व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक बिलो द सी बेड, राइट. द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड. अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये बादल है आपका और यहाँ पर आपका प्लेन है,
राइट अब प्लेन बिल्कुल इसके साथ नहीं है, टच नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन फिर भी ये उसके नीचे है. सो जो प्लेन है वो बिल्कुल बादल के नीचे है. द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिलो की, बिलो इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट्स वेयर वी थिंक ऑफ अ वर्टिकल स्केल. राइट देखिए, वर्टिकल होता है, दिस इज योर वर्टिकल राइट एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल. जब भी हम किसी चीज को वर्टिकल लेंथ में, वर्टिकल स्केल में इस तरीके से या इस तरीके से मेजर करते हैं, तो उस केस में हम हमेशा नीचे, जब किसी चीज के वर्टिकली नीचे होने की बात करते हैं तो उस केस में हम हमेशा बिलो को यूज करते हैं. लाइक सम एरियाज ऑफ द नीदरलैंड इज 7 meters बिलो सी लेवल. तो ये सी लेवल है, लेकिन नीदरलैंड के कुछ एरियाज हैं जो एक्चुअली 7 meters नीचे हैं उस सी लेवल से है. एंड दिस इज रियलिटी ऑफ कोर्स. ये कोई सेंटेंस एक एग्जैक्टली लाइक फिक्शन नहीं है, बट दिस इज अ रियल सेंटेंस. एक्चुअली नीदरलैंड इज एन आइलैंड्स एंड इसके कुछ जगहें ऐसी हैं जो एक्चुअली सी लेवल से 7 meters नीचे हैं. सो सम एरियाज ऑफ द नीदरलैंड्स इज 7 meters बिलो सी लेवल. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज. तो एवरेज क्या है? ये एक सेट है हमारा कि मान लीजिए एवरेज इज लाइक 50%, राइट? तो उसके जो मार्क्स हैं वो इससे नीचे हैं, अगेन वर्टिकली डाउन है उससे. सो हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज. देन नेक्स्ट सेंटेंस इज लास्ट ईयर द रेनफॉल वॉज बिलो एवरेज. मान लीजिए आपका अगर 100 centimeters एनुअली बारिश होता तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ एन एवरेज रेनफॉल. अगर इससे ज़्यादा होगा तो इट्स मोर अबव एवरेज, और इससे नीचे होगा तो बिलो एवरेज. राइट अब वर्टिकली हम बात कर रहे हैं, वर्टिकली तो अगर हम इससे नीचे किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो है बिलो. सो लास्ट ईयर द रेनफॉल वॉज बिलो एवरेज. पिछले साल जो बारिश थी वो बिलो एवरेज थी, एवरेज से कम थी. राइट द नेक्स्ट प्रपोजिशन जिसके बारे में मैंने बोला था, बिलो भी नीचे होता है, अंडर भी नीचे होता है. तो अब हम बात करने वाले हैं प्रपोजिशन अंडर की, जिसे आप कई जगहों पे बीनीथ भी बोला जाता है. क्या डिफरेंस है अंडर और बीनीथ में? इट बीनीथ इज मोर फॉर्मल, वो हम आगे देखेंगे. सो लेट्स गो अहेड विद इट. द फर्स्ट इज वी यूज अंडर टू टॉक अबाउट समथिंग बीइंग कवर्ड बाय समथिंग एल्स. जब हम किसी चीज को किसी चीज से कवर करने की बात करते हैं, राइट, तो उस चीज को, जो नीचे वाली चीज है, उसको हम अंडर बोलते हैं. राइट लाइक द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट. अब देखिए, कैट ने खुद को उस ब्लैंकेट से कवर करके रखा है. सो द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट. राइट यानी कि अगर हम किसी चीज को किसी चीज से कवर करते हैं तो उस नीचे वाली चीज के लिए हम हमेशा अंडर यूज करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज I felt that he was hiding something under his jacket. मुझे ऐसे लगा कि वो किसी चीज़ को, maybe some file, some diary, something, वो कुछ जो है वो अपनी जैकेट के नीचे छुपा रहा है. आई फील दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग अंडर हिज जैकेट. मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अपनी जैकेट के अंदर नीचे कुछ छुपा रहा है. द होल विलेज वॉज अंडर वाटर. देखिए यहाँ पर जब वी हैव फ्लड्स तो पूरा का पूरा जो गांव है वो पानी के नीचे चला गया. राइट सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल. जब मतलब ये हुआ कि पानी ने उस पूरे गांव को कवर कर दिया. राइट
एक बड़ा फनी सा चीज़ है, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. लाइक यूजुअली हम पहनते हैं अंडरगारमेंट्स, उनको अंडरगारमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप उन्हें मेन कपड़ों के नीचे पहना जाता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अंडरगारमेंट्स, राइट? सो इसलिए इसको एक नाम मिला, अंडरगारमेंट्स. Then, under is also used to talk about something or someone placed under something or someone. मतलब जब किसी चीज़ को या किसी इंसान को किसी और चीज़ या किसी इंसान के नीचे रखा जाता है. देखिए, placed का मतलब है रखा जाता है जानबूझ के. अब वो चीज़ खुद वहाँ नहीं गई, वो रखी गई है, चाहे किसी और ने उसे रखा है या चाहे उस इंसान ने या उस चीज़ ने अपने आप को वहाँ रखा है. लाइक माय हस्बैंड वर्क, आई मीन फाइव पीपल वर्क अंडर माय हस्बैंड, यानी कि मेरे हस्बैंड, दिस इज़ माय हस्बैंड फॉर एग्जांपल, उनके नीचे पांच लोग जो हैं वो काम करते हैं. अब इन पांच लोगों को उनके नीचे रखा गया है, उनकी कंपनी ने रखा है या उनके बॉस ने रखा है या चाहे उन्होंने खुद ने अपने नीचे काम करने के लिए रखा है. सो फाइव पीपल वर्क अंडर माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के नीचे पांच लोग काम करते हैं और इन पांच लोगों को वहां पर रखा गया है काम करने के. देन इज आर माय शूज अंडर द काउच, राइट? क्या मेरे जूते काउच के नीचे हैं? यहाँ पे कुछ लग तो रहा है ये समथिंग समथिंग. काउच इज़ लाइक हम जिसे सोफ़ा बोलते हैं, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड इज़ काउच. क्या मेरे जूते काउच के नीचे हैं? अब देखिए, हो सकता है आपने खुद ही रखे हों या मैंने खुद ही रखे हों, या हो सकता है मैंने रखे तो यहाँ पर थे बट शायद मेरी मेड ने जब ब्रूम किया होगा, झाड़ू मारा होगा, तो वो नीचे चले गए. अब वो नीचे जो हैं वो रखे गए हैं किसी के द्वारा. इट कैन बी डेलिब्रेट और इट कैन बी इनडेलिब्रेट, लाइक वो इंटेंशनल अनइंटेंशनली जान के अनजाने में कैसे भी हो सकता है, बट वो रखे गए हैं. आर माई शूज अंडर द काउच. नेक्स्ट सेंटेंस सेज ही वॉज वर्किंग अंडर ह्यूज ट्री, वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे काम कर रहा था. अब यहाँ पर वो खुद आके बैठा होगा काम करने के लिए पेड़ के नीचे. सो ही वॉज वर्किंग अंडर द ह्यूज ट्री. देर आर फ्यू एक्सप्रेशंस विच यूज द वर्ड अंडर. अब हम कई बार अंडर, जैसे मैंने आपसे कहा कि अंडर को आप बीनीथ के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अंडर को यूज़ करते हैं. लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट? कभी आप बीनीथ कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, आप हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. अंडर फायर, यू नो द बिल्डिंग इज़ अंडर फायर. देन वी हैव इज़ अंडर अटैक, under arrest, under pressure, under these conditions. Conditions kuch bhi ho sakta hai. Like, you are under arrest. Kabhi you are beneath arrest nahi bolte. The bridge is still under construction or the house is still under construction. Kabhi bhi hum beneath construction nahi bolte. Her actions have always been under constant media scrutiny. उसके जो भी काम हैं, actions हैं, वो हमेशा under scrutiny रहते हैं, मतलब उन पर नज़र रखी जाती है by media. So ये कुछ examples हैं जहाँ मैंने आपसे कहा कि सिर्फ फिक्स एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे अंडर के साथ यूज़ करते हैं, इन्हें हम किसी और के साथ लाइक बीनीथ के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं. If you talk about beneath, beneath is mainly used in literal or formal style. Basically, beneath को हम, जैसे मैंने आपसे starting में भी कहा था, एक formally use करते हैं, एक formal style में use करते हैं. Like coral reefs that lie beneath the water are a beautiful sight. यानी कि जो coral reefs हैं, ये जो होते हैं, इन्हें हम corals बोलते हैं, coral reefs और corals बोलते हैं. वो जो पानी के नीचे थे वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, दैट वॉज़ अ ब्यूटीफुल साइट. अब यहाँ पे मैं अंडर द वाटर्स भी बोल सकती हूँ, बट अगर बीनीथ बोलते हैं सो इट लुक्स मोर लिटरल और मोर फॉर्मल.
Then we have is they sat beneath a beautiful tree. वो एक बहुत ही सुंदर tree के नीचे बैठे थे. अब देखिए यहाँ पे मैं under भी use कर सकती हूँ. They sat under a beautiful tree. But beneath looks more formal or literal. So beneath और under में सिर्फ यही difference है कि beneath जो है वो ज़्यादा formally use होता है. The next preposition that we use is by, next to or beside. अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग preposition है, by, next to या beside. लेकिन मतलब इन तीनों का सेम होता है. आप इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं. अब इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये इस्तेमाल होते हैं जब हम बात करते हैं साथ में. दे आर यूज टू शो समथिंग और समवन ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ समथिंग और समवन. यानी कि मान लीजिए ये कुछ है और इस या तो आप इसके लेफ्ट की बात करते हैं या इसके राइट की बात करते हैं, साथ में जिसे हम बोलते हैं. लेकिन साथ का मतलब कहीं आना जाना नहीं, लेकिन बस उसके एकदम लेफ्ट में या राइट में किसी चीज़ के होने की बात करते हैं, तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं या बिसाइड यूज़ करते हैं या नेक्स्ट टू यूज़ कर सकते हैं. Right, like there is a hospital beside or by or next to my house. मान लीजिए कि यहाँ मेरा घर है, this is my house, इसके बिल्कुल साथ में this is a hospital. So there is a hospital beside my house भी बोल सकते हैं, there is a hospital by my house भी बोल सकते हैं, or there is a hospital next to my house भी बोल सकते हैं. तो इस सेंटेंस में आप बिसाइड, बाय या नेक्स्ट टू तीनों को यूज़ कर सकते हैं, तीनों सही होंगे. अनदर एग्जाम्पल शोज जेन इज स्टैंडिंग बिसाइड टू हर ब्रोकन कार और जेन इज स्टैंडिंग बाय हर ब्रोकन कार. जेन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर ब्रोकन कार. ब्रोकन कार मतलब टूटी हुई कार नहीं, बट खराब कार. आई मीन देखिए उसका बोनट खुला है, इसका मतलब गाड़ी में कुछ खराबी है. सो खराब कार को इंग्लिश में ब्रोकन कार बोलते हैं. सो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो जेन इज स्टैंडिंग बिसाइड हर ब्रोकन कार. वो अपनी ब्रोकन कार के साथ में खड़ी है. वो अपनी ब्रोकन कार, यू नो शी इज स्टैंडिंग बाय हर ब्रोकन कार. तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं. एलेक्स वॉक्ड बिसाइड एना. एलेक्स जो है वो एना के साथ में चल रहा है. आप देखिए बिल्कुल एना के लेफ्ट में है एलेक्स. मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकती हूँ कि एना एलेक्स के साथ चल रही है. सो एना वॉक्ड बिसाइड एलेक्स. सो यहाँ पर मैं बिसाइड यूज़ कर सकती हूँ. एलेक्स वॉक्ड बिसाइड एना. Or I can say Alex walked by Anna, or Alex walked next to Anna. हम तीनों यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. So by, beside और next to का मतलब होता है साथ में. वो आपके left hand side भी हो सकता है या आपके right hand side भी हो सकता है. The next preposition that we have is your over. Over एक ऐसा preposition है जिसकी अब हम बात करेंगे. Over is used to show something higher in position. यानी कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर होने की बात करते हैं तो उस केस में हम हमेशा over को use करते हैं. Higher in position, right? Higher, ध्यान रखिएगा. There is a chopper over the building. अब एक chopper यानी कि एक helicopter building के ऊपर है. यहाँ पर जब हम over की बात करते हैं तो जिस चीज़ के साथ हम बात करते हैं उसमें और जिस चीज़ से हम बात करते हैं जो higher position में है, there is no contact between the two. दोनों के बीच में कोई contact नहीं है. There is a chopper over the building. Building के ऊपर एक chopper है. There is a chopper over the building. Another example shows she held an umbrella over both of us. उसने हम दोनों के ऊपर umbrella उड़ाया. अब umbrella में और आपके सर के बीच में कुछ तो gap होगा,
right? So she held an umbrella over both of us. He leaned over to see what I had written. वो मेरे ऊपर से उसने देखा, मतलब वो मेरे ऊपर से झुका, leaned over, you know, to see what I had written. देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़का है और फादर उसके ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या लिख रहा है या क्या उसने क्या लिखा है. The next preposition that we have is after, over, is your, above. अब हम बात कर रहे हैं preposition above की. Above is used to show something highest in position. देखिए हमने पहले बात किया over, which is higher in position. अब हम बात कर रहे हैं above, which is highest in position, यानी सबसे ऊपर की बात कर रहे हैं. I lay on my back, looked at the clouds above. अब मैं लेटी क्या देखने के लिए, बादल अपने ऊपर. अब अगर मैं यहाँ से लेट के देख रही हूँ तो सबसे ऊपर मुझे क्या दिख रहे हैं, बादल. Clouds above, जो सबसे ऊपर हैं. अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो अगर मुझे बादल दिखेंगे तो और कुछ नहीं दिख रहा, right? I lay on our backs, looked at the clouds above. Then another example is, you can write to us at the address written above. यानी कि आप हमें लिख सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, राइट? सो इस ऊपर लिखे हुए एड्रेस पर आप हमें लिख सकते हैं. चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय द मून्स एंड द स्टार्स अबव. जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं बचपन में क्या, स्टार्स एंड योर मून, जो कि आसमान में है, जो आपके ऊपर हैं, अबव हैं, राइट? अब कई लोग कहते हैं, देखिए ओवर का मतलब, जैसे हमने बात किया पहले, बिटवीन एंड अमंग, दोनों का मतलब बीच में होता है, और आपका क्या कहते हैं, अंडर एंड बिलो का मतलब नीचे होता है, उसी तरह से ओवर एंड अबव दोनों का मतलब जो होता है वो ऊपर होता है. अब बोथ ओवर एंड अबव कैन मीन एट और टू अ प्लेस. ये दोनों प्रेपोजिशंस जो हैं हमारे, एट या सॉरी ओवर एंड अबव, या आपको क्या दिखाते हैं, एट और टू अ प्लेस विच इज़ हायर देन समथिंग और समवन, वो जो किसी चीज़ के कंपैरिजन में ऊपर है. बट ओवर इज़ समवट मोर कॉमन, लेकिन ओवर जो है उसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. लाइक अ लाइट हैंग्स ओवर द टेबल, और द लाइट हैंग्स अबव द टेबल. आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, बट ओवर द टेबल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज इट्स मोर कॉमन दैट वी यूज. अनदर एग्जाम्पल सेज, शी रेज्ड हर आर्म्स ओवर और अबव हर हेड. यहाँ पर देखिए उसने अपनी जो बाजू हैं उनको अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है. शी रेज्ड हर आर्म्स ओवर हर हेड और अबव हर हेड, दोनों सही हैं, बट ओवर इज मोर कॉमनली यूज्ड. मोहित रेंटेड एन अपार्टमेंट ओवर द बुक स्टोर और अबव द बुक स्टोर. अब ये बुक स्टोर है जो मोहित है, उसने ये वाला जो अपार्टमेंट है जो बिल्कुल इसके ऊपर है वो रेंट आउट किया है. ही हैज़ यू नो हायर्ड और ही हैज़ रेंटेड एन अपार्टमेंट ओवर अ बुक स्टोर और अबव अ बुक स्टोर, दोनों सही हैं. बट If I would use, मैं over को use करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा common है. The next preposition that we have is around. Around means आसपास, right? हिंदी में जिसे हम आसपास बोलते हैं. So let's see how do we use them. Around is used for something or someone surrounding some place or someone. जैसे ये कोई है, चीज़ है या कोई आदमी है मान लीजिए, और जब इसके सराउंडिंग, इसके आसपास कोई चीज़ की बात होती है तो वो हमारा
अराउंड होता है. दे वर सिटिंग अराउंड द टेबल. देखिए ये टेबल है हमारा और वो टेबल के आसपास बैठे हुए हैं. सो दे वर सिटिंग अराउंड द टेबल. देन वी हैव ही वी वॉक्ड अराउंड द ओल्ड टाउन. जो पुराना शहर है हमने उसके आसपास घूमे. अराउंड मीन्स चारों तरफ. जैसे ये शहर है तो ऐसा नहीं सिर्फ हम यहाँ पे इतने एरिया में गए बट हम चारों तरफ उसके गए. सो वी वॉक्ड अराउंड द ओल्ड टाउन. द अर्थ गोज अराउंड द सन. देखिए ये हमारा अर्थ है. हम सब जानते हैं जो धरती है वो सूरज के आसपास घूमती है. इट गोज अराउंड द सन, जिसे हम इंग्लिश में रिवॉल्व बोलते हैं. राइट. सो द अर्थ गोज अराउंड द सन और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो उस केस में हम गोज अराउंड यूज नहीं करें. अनदर प्रीपोजिशन दैट वी यूज टू शो द पोजिशन ऑफ समथिंग इज फ्रॉम. लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट हम फ्रॉम को यूज करते हैं टू शो प्लेस और प्लेस ऑफ ओरिजिन और वेयर आर फ्रॉम. ये दिखाता है कोई जगह. कौन सी जगह? प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से उस चीज़ का स्टार्टिंग हुआ है या ओरिजिन है, या वेयर आर फ्रॉम, वो कहाँ से है. लाइक दीज कोटेशंस आर फ्रॉम हैमलेट बाय शेक्सपियर. मान लीजिए मैंने कोई कोटेशंस यूज़ की हैं अपने राइटिंग में. अब कोई पूछता है अरे ये कहाँ से मिली तुम्हें कोटेशंस? ये कोटेशंस हैमलेट में से है जो शेक्सपियर का है. सो दीज कोटेशंस आर फ्रॉम हैमलेट. हैमलेट एक नॉवल है जो वेरी फेमस नॉवल बाय विलियम शेक्सपियर. सो दीज कोटेशंस आर फ्रॉम हैमलेट बाय शेक्सपियर. हैज द ट्रेन फ्रॉम न्यू हेवन अराइव्ड. क्या न्यू हेवन से आने वाली ट्रेन पहुंच गई है? यानी वो कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, कहाँ से, किस जगह से शुरू हुई? न्यू हेवन से. राइट. सो हैज़ द ट्रेन फ्रॉम न्यू हेवन अराइव्ड. ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ. वो बचपन से, पैदाइश से, के वक्त से जो है वो ब्लाइंड है, अंधा है. ही इज़ ब्लाइंड. ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम हिज बर्थ. सो थैंक यू सो मच. अभी हमने इस वीडियो में जो हमारे प्रेपोजिशंस किए हैं वो है हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड दैट टू पोजिशन. जब हम किसी एक पोजिशन पे किसी चीज़ के होने की बात करते हैं. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बट मूवमेंट और डायरेक्शन. जब हम कहीं आने या जाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. थैंक यू. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हों, यू कैन गेट बैक टू अस ऑन आर वेबसाइट. थैंक यू.